माता धारी देवी का मंदिर उत्तराखंड के पौड़ी जिले के श्रीनगर गढ़वाल में स्थित है। यह मंदिर काली माँ को समर्पित है। वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। तो आज हम पहुंच गए हैं उत्तराखंड के धारी देवी टेम्पल में। तो ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये धारी देवी टेम्पल है जो कि उत्तराखंड के श्रीनगर में लोकेटेड है। तो बहुत फेमस है, इसके पीछे भी बहुत अच्छी कहानी है जो मैं आपको भी बताऊंगी, और करेंगे इस पूरे मंदिर के दर्शन। तो आइए चलते हैं अंदर और करते हैं दर्शन। माँ धारी देवी का मंदिर बहुत ही प्राचीन और एक रहस्यमय मंदिर है। माँ धारी देवी को उत्तराखंड की रक्षक देवी के रूप में भी पूजा जाता है। कहा जाता है कि माँ धारी देवी पहाड़ों और तीर्थयात्रियों की रक्षा करती हैं। तो पहुँच गए हम धारी देवी टेंपल। एंट्री कर लेते हैं अभी। और यहाँ से ही देखिए खूबसूरत व्यू है बहुत। ये है सेंटर में बना हुआ धारी देवी टेम्पल। बहुत ही फेमस मंदिर है, काफ़ी प्राचीन है ये। तो अभी चलेंगे नीचे दर्शन के लिए। ये देखिए मंदिर, ये नीचे है मंदिर। और ये पुल से भी लोग आ रहे हैं, वहाँ से भी रास्ता है क्या? बहुत ही प्यारा सा पुल बना हुआ है। अगर आप माँ धारी देवी मंदिर के दर्शन के लिए आना चाहते हैं तो आप ऋषिकेश से या फिर हरिद्वार से डायरेक्ट बस ले सकते हैं श्रीनगर के लिए। और अगर आप चार धाम यात्रा के लिए जा रहे हैं तो ये मंदिर आपके रास्ते में ही पड़ेगा, आप दर्शन ज़रूर करें। धारी देवी माँ को उत्तराखंड की संरक्षण एवं पालकी देवी के रूप में माना जाता है। इस मंदिर में देवी की मूर्ति का सिर्फ ऊपरी भाग सिर स्थित है और निचला वाला भाग काली मठ में स्थित है। कहा जाता है कि माँ धारी देवी दिन में तीन रूप धारण करती हैं। सुबह छोटी बच्ची, दोपहर में युवती और शाम के समय वृद्ध का रूप धारण कर लेती हैं। भाव चेंज होते हैं, भाव कैसे पहले वाली जैसे वाली मूर्ति होती थी, अलग दूसरी मूर्ति वही है जैसे। अच्छा, भाव चेंज होता है। भाव होता है सुबह जैसे हंसता हुआ वाली वजह से। अच्छा, रात में थोड़ा खत्ते हुए चेहरा रहता है। समझ में आता है। आपका भी आओ ना सुबह, कभी आओ, ध्यान लगाओ, बैठो तब पता लगेगा। एक टाइम में दिख जाएगा ध्यान धारणा से आओगे। पहले माँ धारी देवी का मंदिर यहाँ नीचे की तरफ था, फिर विद्युत जल परियोजना के लिए रास्ता बनाने के लिए माँ धारी देवी को अपने मूल स्थान से हटाकर नए स्थान पर स्थापित किया गया। तो कहा जाता है कि जो उत्तराखंड में आपदा आई थी 16 जून 2013 को, वह माँ धारी देवी के मंदिर को उनके मूल स्थान से हटाने की वजह से आई थी। साल बाद 28 जनवरी 2023 को शनिवार के दिन चारों धामों की रक्षक माँ धारी देवी को शुभ मुहूर्त में उनके मूल स्थान पर बने नए मंदिर में स्थापित कर दिया गया है। मंदिर के दर्शन अभी कर लिए हमने और हम आ गए हैं नीचे। और ये है पूरा अलकनंदा रिवर, और रिवर के बीचों बीच ये मंदिर लोकेटेड है।
तो दर्शन के बाद नीचे आ सकते हैं, बैठ सकते हैं यहाँ पर, काफ़ी अच्छा लगेगा आपको। तो काफ़ी सुंदर मंदिर है, आना एक बार आना तो बनता है। और ऋषिकेश से ये मंदिर बहुत पास है, कुछ 2-3 घंटे में आप यहाँ पहुँच जाएंगे। और ऋषिकेश से डायरेक्ट बसेस भी चलती हैं जो सीधा आपको श्रीनगर ड्रॉप कर देंगी। आप सभी ने भी मेरे साथ माँ धारी देवी के दर्शन किए होंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई लोकेशन पर। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।